नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक सेंटर की ब्रांच से जटिल रोगों के जांच की व्यवस्था अब मोतिहारी में भी संभव। मोतिहारी के मरीजों के ब्लड सैंपल की जांच मुंबई और दिल्ली भेजने की अब जरूरत नहीं होगी। अब मोतिहारी से ही 24 घंटे के अंदर जांच संभव। चंपारण में इस प्रकार के लैब खुलने से लोगों की परेशानी कम होगी। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की सेवा में जुटे बिहार पटना के मशहूर डॉक्टर प्रभात रंजन ने अपने डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से कोरोना मरीजों की जांच कर सेवा की एक मिसाल कायम की है और जांच की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाकर अनवरत कोरोना पीड़ित मरीजों की जान बचाई है। इसी कड़ी में आज चंपारण वासियों के लिए डॉक्टर प्रभात रंजन की लैब के कलेक्शन सेंटर की शुरुआत की गई और अब जटिल रोगों की जांच 24 घंटे में होना संभव हो सकेगा। वैसे मरीज जिनके ब्लड सैंपल को मुंबई और दिल्ली जांच के लिए भेजा जाता था और तकरीबन एक सप्ताह तक इंतज़ार करना पड़ता था, वैसे मरीजों को अब किसी भी प्रकार की जांच के लिए कम समय और कम लागत पर रिजल्ट मिल पाएगा। मीडिया को बताते हुए डॉक्टर प्रभात रंजन ने कहा कि उत्तर बिहार के लिए और मरीजों की सेवा के लिए मोतिहारी में लैब का कलेक्शन सेंटर खोला गया है। आप पटना के मशहूर डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं और कोरोना एपिडेमिक में ऐसे हालात में भी आपने काफ़ी लोगों की सेवा की और आज मोतिहारी में आपका डायग्नोस्टिक सेंटर का कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन आप करने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये बिहार का पहला पैथोलॉजी सिस्टम है डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक कैंसर सेंटर, जो पूरे बिहार में फ्रेंचाइजी के रूप में काम करना स्टार्ट किया है। अभी तक देश की दूसरी कंपनियां जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वही फ्रेंचाइजी के रूप में पैथोलॉजी में आपके स्टेट में काम करती थी। हमने वो सैंपल्स को बाहर ले जाते थे, पटना से बाहर, बिहार से बाहर, और आपके पैसे को भी बाहर ले जाते थे और आपके ब्लड को भी बाहर ले जाते थे और रिपोर्ट्स काफ़ी लेट मिलता था यहाँ के लोगों को। तो इसलिए हमारा सिस्टम जो है, जो पैथोलॉजी सिस्टम है, जो सेंटर है, वो सबसे एडवांस है, सारे टेस्ट होते हैं। तो ये एक तरह से कहते हैं, कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट है, माइलस्टोन्स बिहार फिर से ये बिहार के मेडिकल फील्ड का आप बोल सकते हैं कि माइलस्टोन या हिस्टोरिकल डे है कि पैथोलॉजी में बिहार का ही एक पैथोलॉजी सेंटर का फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुआ है और बिहार के अभी 8 जिलों में लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया है बिहार के लोगों ने। और कल अमनौर में इनॉग्रेशन हुआ है, आज यहाँ है, कल आरा डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंचाइजी का इनॉग्रेशन है, फिर छपरा टाउन में है। इस तरह से अभी लगातार सीरीज में फ्रेंचाइजी की ओपनिंग होगी डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब आप महाराष्ट्र या बॉम्बे में बात करते हैं महाराष्ट्र मानुष की, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का ओपिनियन हो, मैं पॉलिटिकल व्यू नहीं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, एकदम ज़रूरत है टाइम की। अभी आपके सीएम ने बोला क्या कि हमारे यहाँ कोई बड़ा उद्योगपति उद्योग इन्वेस्ट नहीं करता है। बड़ा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो यदि इन्वेस्ट कर देगा आपके यहाँ तो यहाँ से जो सस्ते मजदूर उनको मिलते जाते हैं वो मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह से जो ये कॉर्पोरेट लैब्स यहाँ पे जो यहाँ से कलेक्शन करके बाहर सैंपल ले जाते हैं, उन्होंने पिछले 10-15 सालों में कभी भी बड़ा लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया, जिसके कारण यहाँ के पेशेंट्स को कभी भी जल्दी रिपोर्ट नहीं मिलता है। जो रिपोर्ट एक दिन में मिलना चाहिए वो 4 दिन में मिलता है, जो 2 दिन में मिलना चाहिए वो 10 दिनों में मिलता है, जिससे पेशेंट का बीमारी बढ़ता रहता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है, क्वालिटी का भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसको सोचते हुए हम लोगों ने इसको फ्रेंचाइजी सिस्टम में स्टार्ट किया है और बिहार के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिया दिखाया है और अभी तक 10 लोगों ने इसको 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए फ्रेंचाइजी ऑफ कर लिया है। नेक्स्ट फ्रेंचाइजी की मीट जो है और डिस्ट्रिक्ट के लिए 25
अक्टूबर को है। इस तरह से बिहार के लिए ये सबसे बड़ा वरदान साबित होगा कि यहाँ के लोगों को जल्दी कम समय में कम कीमत पे सही रिपोर्ट मिलेगा। दूसरा कि अवेलेबिलिटी, हमारे सिस्टम में पैथोलॉजिस्ट और डॉक्टर हमेशा पेशेंट से बात करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। यदि किसी को किसी रिपोर्ट को डिस्कस करना है तो डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकता है पैथोलॉजिस्ट। आपका हेड ऑफिस कहाँ आपने रखा है? पटना कंकड़बाग। यहाँ मतलब मोतिहारी में? मोतिहारी में अरुण जी ने फ्रेंचाइजी दिया है, यहाँ से सारा सैंपल कलेक्ट करके पटना पहुँचे। मतलब मोतिहारी के लोगों को इससे क्या? मोतिहारी के लोगों को होगा कि जो अभी रिपोर्ट्स आपको जो टेस्ट बाहर जाते हैं बिहार से बाहर, तो आपको 4-5 दिन में मिलता है, यहाँ आपको 24 घंटे के अंदर में रिपोर्ट मिलेगा। जो आपने सैंपल आज 10 बजे दिया, कल सुबह 10 बजे आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके डॉक्टर्स को दिखा के आराम से अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। रेट का क्या पोजीशन है? रेट्स कंपेटेबल है और उन लोग कॉर्पोरेट्स और कॉर्पोरेट से कम ही। क्या बायोप्सी टेस्ट की भी सुविधा है? हमारे यहाँ सारा टेस्ट होता है, मॉलिकुलर टेस्ट से लेके लिकेमिया से लेके कैंसर से लेके कोविड से लेके आपका। तो यहाँ के लोग बायोप्सी कराने के लिए बाहर सैंपल लेने की जरूरत है? ये सारा पटना में अभी भी होता है, अभी भी बायोप्सी यहाँ से जाता है, मोतिहारी से जाता है। रिपोर्ट कितने दिन में आ जाता है? 4-5 दिन पे। यदि बड़ा स्पेसिमेन होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, छोटी बायोप्सी 4-5 दिन।